नमस्कार, मैं हूं इंद्रनील और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल इंद्रनील रॉय आईआर में। दोस्त, हम आज है संडे और आज कुछ बातें करूंगा विक्रम सिंह जौहर और आदित्य शर्मा के शो के ये जादू जिन के बारे में। सो क्या बात है, किस चीज के बारे में बात है, क्लियर करता हूँ। फर्स्ट मैं आपके साथ पॉइंट आउट करता है क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक लड़का का नाम है अभिषेक पाठक, जो हमेशा कॉमेंट्स करते रहते हैं, उनका क्वेश्चन है ये जादुई जिन में क्या अमन और रोशनी अलग फिर से हो सकते हैं। देखो दोस्त, इस शो में सबसे बड़ी चीज है, हमेशा दिखाया जाता था कि लॉकडाउन से पहले कि अमन और रोशनी अलग हो जाते हैं, लेकिन अब जो नया स्टोरी आया उसमें अलग होने का कोई चांस नहीं है। ओके, सेकंड श्रेया, सिर्फ श्रेया एस नाम उन्होंने लिखा है, ये जादुई जिन में क्या अब लीप आने वाला है, क्योंकि अब मुझे पता है बहुत सारे श्रेया जी देखिए बहुत सारे शोज में लीप आ रही है, लेकिन ये जादुई जिन में लीप अभी आने का कोई चांस नहीं है। ओके, यह क्या नाम है, एमडीके, पूरा नाम नहीं है, एमडीके नाम रखें। उन्होंने पूछा है यह जादू है जिन में क्या अब कोई नया एक्टर्स आने वाले हैं, क्या नाम है। देखो दोस्त, ये जादू जिन में नए एक्टर्स तो आएंगे, क्योंकि अब नया जिन आने का बात हुआ, अभी तक फेस क्रैप नहीं हुआ, क्योंकि तीन एक्टर का नाम सामने हुआ है, लेकिन कौन होंगे, कैसे होंगे, यह अभी बात सामने नहीं आई है। अगर कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज आएगा मेरे पास तो आपके साथ शेयर करता हूँ, करता रहूंगा, ठीक है। क्या क्या नाम है, जैन इमाम, वाह जैन इमाम के फैन होंगे, जैन इमाम उन्होंने नाम रखा है। उन्होंने पूछा है भाई ये जादू जिन क्या अब टीआरपी में अच्छा रेंज मिल रही है। देखो, यह जादू जिन अभी टीआरपी की बात करूँ, यह शो की बहुत अच्छी रिस्पांस मिल रही है, उसके साथ साथ इंक्रीज भी हो रही है। इसका रीजन है आप सबके प्यार है, क्योंकि आप यह जादू जिन को एक टाइम पे इतने अच्छे रिस्पांस दे रहे हो, इसके वजह से शो आगे बढ़ रही है। आप इसी तरह रिस्पांस करते रहो, शो देखते रहो और आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे पता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो लाइव देखते हैं 8:30 बजे, उसके लिए भी सही है। सो एक टाइम जो 8:30 बजे टाइम हो, अगर उस टाइम किसी भी तरफ देख लिए, सो की टीआरपी इंक्रीज हो जाएगी। ओके दोस्त, यह थे टोटल 4 क्वेश्चन आंसर, ऐसे तो बहुत सारे थे, लेकिन ये 4 पॉइंट था जो आपके साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैं किया। तो इसी तरह अगर आपको कोई भी कॉमेंट्स है तो इस वीडियो के नीचे हैशटैग इंद्रनील या हैशटैग YTD लिखो, उसके बाद आप जो क्वेश्चन करना है कर सकते हो, नहीं तो हैशटैग आस्क इंद्रनील करो, उसके साथ आप क्वेश्चन करो, क्या क्वेश्चन है मैं आपको पिकअप करके बता दूंगा। ओके दोस्त, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्त, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।